क्या आप जानते हैं कि इनफर्टिलिटी के लिए खराब लाइफस्टाइल भी बहुत जिम्मेदार होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेली हेल्थ केयर में, जहां हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल डेली हेल्थ केयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एंजॉय कीजिए डेली हेल्थ केयर ऐप को, जहां पर आप हमारे चैनल के सारे वीडियोस देख सकते हैं एक साथ और सबसे पहले। आयुर्वेदिक घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खे, रामबाण इलाजों और हेल्थ टिप्स के वीडियोस फुल एचडी में देखने के लिए डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए डेली हेल्थ केयर ऐप। कई स्टडी से साबित हुआ है कि स्मोकिंग या धूम्रपान फर्टिलिटी, खासकर पुरुषों की फर्टिलिटी के लिए बहुत घातक होता है। दुनिया भर में फर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, इस मामले में भारत भी अपवाद नहीं है। यहाँ भी इनफर्टिलिटी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों ही इससे प्रभावित हैं। कई स्टडीज और रिसर्च से साबित हुआ है कि इनफर्टिलिटी की समस्या में बढ़ोतरी की वजह खराब लाइफस्टाइल होती है। ज्यादा स्मोकिंग करना, ज्यादा शराब पीना, एक मिनट में ज्यादा शराब पीने से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है, इसकी कमी से इनफर्टिलिटी और नपुंसकता का खतरा बढ़ जाता है। नींद पूरी ना होना, आज की भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल के कारण कई लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर व्यक्ति को रोजाना कम से कम 7 घंटे जरूर सोना चाहिए। पर्याप्त नींद न होने की वजह से टॉक्सिक पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, इससे स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ता है, जिससे पुरुषों और महिलाओं दोनों की फर्टिलिटी कम हो जाती है। अधिक स्ट्रेस और टेंशन लेना, ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन के कारण शारीरिक क्षमता पर असर पड़ता है। ज्यादा स्ट्रेस से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, जो नपुंसकता की तरफ बढ़ता है। वहीं जनरल ह्यूमन प्रोडक्शन की रिपोर्ट के अनुसार लगातार स्ट्रेस में रहने वाली महिलाओं में इनफर्टिलिटी की संभावना बढ़ जाती है। मोटापा, आज की लाइफस्टाइल के कारण मोटापा बहुत बढ़ रहा है। ज्यादा मोटे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का खतरा हो जाता है, इससे फर्टिलिटी पर नकारात्मक असर पड़ता है। मोटापे से ही मधुमेह होने की आशंका हो जाती है, जो पुरुषों में नपुंसकता की वजह बन जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में भी मोटापे की वजह से फर्टिलिटी बढ़ जाती है। बढ़ती उम्र, लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण दंपति प्रेगनेंसी की लेट प्लानिंग करते हैं। बढ़ती उम्र का असर खासकर महिलाओं की फर्टिलिटी पर पड़ता है। महिलाओं की फर्टिलिटी उम्र बढ़ने के साथ साथ अंडों का उत्पादन कम हो जाता है, अंडों की उत्तमता भी घटती है। उन्नत मातृ आयु में अंडों में क्रोमोसोमल एबनॉर्मिटीज की आशंका भी रहती है, जिसकी वजह से या तो गर्भधारण करने में दिक्कत होती है या फिर गर्भपात की आशंका बढ़ जाती है। जंक फूड, इन दिनों जंक फूड का चलन है। जंक फूड में जरूरी पोषक तत्व जैसे फोलिक एसिड, विटामिन B12, ओमेगा 3, फैटी एसिड्स की मात्रा कम होती है, जिसका हानिकारक असर महिलाओं की फर्टिलिटी पर पड़ता है। इस तरह उसमें नमक और प्रिजर्वेटिव्स काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, जिससे स्पर्म काउंट कम हो जाता है, साथ ही स्पर्म की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए डेली हेल्थ केयर ऐप।